तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं VVA माइक्रो प्रोग्रामिंग और इस पर एक प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे। पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, क्या प्रोजेक्ट था। बेसिकली हमें एक ड्राइव में एक फोल्डर, मुझे फोल्डर क्रिएट नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ एक फोल्डर है, ठीक है ना। मैं यहाँ मान लीजिए कि ई ड्राइव में न्यू पे जाता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए 2021 का फोल्डर बना देता हूँ। अब मुझे इस फोल्डर में 12 फाइल चाहिए जैन टू दिसंबर, ठीक है। अब 12 फाइल का नाम चाहे 1, 2, 3 लिखें या जैन 5 लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद उन 12 फाइलों में उनके मंथ के अकॉर्डिंग सीड्स चाहिए, ठीक है। जैसे जनवरी में 31 सीट है तो 31 सीट इंसर्ट होनी चाहिए और सबका नाम 1 से 31 तक नंबरिंग में होना चाहिए या डेट में होना चाहिए। तो चलिए इसी चीज़ को हम आपके साथ करते हैं। अब देखिए, मेरे पास डेवलपर टैब नहीं है क्योंकि मैं नया नया सर इंस्टॉल किया हूँ, तो मैं एक बार डेवलपर टैब लेके आता हूँ, कस्टमाइज रिबन और यहाँ से डेवलपर टैब, देन ओके। अब यहाँ पे हमें जाते हैं विजुअल बेसिक, यहाँ इंसर्ट मॉड्यूल्स, तो यहाँ पे मैग्निफायर कर दूँ या दिख जाएगा स्क्रीन, क्या कह रहे हैं सर? मैग्निफायर कर दूँ, बड़ा कर दूँ? हाँ नहीं ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे आते हैं और प्रोजेक्ट सेकेंड, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट सेकेंड है तो P2 कर देते हैं। और सबसे पहले तो हमें पता करना है कि हमारे सिस्टम का डेट कहाँ है, क्योंकि हमें मंथ नहीं, सिस्टम डेट की ज़रूरत नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिए, इसमें हमें मंथ चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एट। सबसे पहले हम फाइल क्रिएट करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन पता है कि हमें फाइल सेव करके चाहिए, तो डॉट सेव एज कर देते हैं, सेव एज। और लोकेशन, जो हमारा फाइल का लोकेशन है, कि मुझे ई में 21 के अंदर चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज़ हमें हम डाल देते हैं कि 1.xlsx। ठीक है, वर्कबुक डॉट एड डॉट सेव एज हमने डाल दिया। अब मुझे 12 फाइलें बनानी है ना सर, मैम, तो मुझे इस कोड को 12 बार लिखना पड़ेगा और 1 के जगह पे 2, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर मुझे, अगर एक कोड तो सही नहीं होगा, मान लीजिए मुझे 200 फाइल बनाना है, क्या 200 बार लिखना पड़ेगा। तो इसी काम के लिए लूप आता है कि मुझे एक ही कोड को रन करना है बार बार, बात समझे। तो इसको हम क्या करेंगे, लूप के अंदर डाल देंगे कि 4i = चले 1 to 10, 12 है ना, 12, और यहाँ पे हमने कर दिया नेक्स्ट, नेक्स्ट आई, ये लूप होता है, सीख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि हमने 1 से 12 लिखा है तो इसको 12, इस कोड को 12 बार रन कर देगा। करेक्ट, यहाँ तक तो ठीक है सुजीत जी, इसमें जैसे अब ये 12 बार रन करेगा तो ये 1 नाम जब दोबारा मैं वही आपको बताने जा, मैं वही आपको समझा रहा हूँ, पेशेंस रखिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम होगी कि 12 बार रन करने से फायदा नहीं, क्योंकि हर बार हमारा अलग अलग नाम चाहिए, नेम तो फिक्स है। अब 4, यहाँ पे 4 की प्रॉपर्टी समझते हैं, 4 जब भी रन होता है तो एक काउंट रखता है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इस सिर्फ लूप को रन करता हूँ, एफर्ट से, एफर्ट होता है डिबग आपका, एक एक लाइन होता है। तो इसमें देखिए i जो है 1 है। अब i क्या है, जैसे हम आपको याद होगा मैंने MDY लिया था, वेरिएबल्स टेम्परली स्टेबल लोकेशंस, जैसे मैथमेटिक्स में x y z लेते हैं, उसी तरह से ये i है। i क्या करता है कि लूप जितना रन हो रहा है उतना यहाँ देखिए कोड रखता है। अब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, तो ये 12 बार चलेगा और जैसे ही 12 बार से ऊपर होगा ये नेक्स्ट जो है लूप को क्लोज कर देगा। तो 4 क्या करेगा, आई को बोलेगा काउंट करो, आई काउंट किया और चेक किया, इसको रन किया, राइट।
फिर नेक्स्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि आई की जो काउंटिंग 12 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो लूप को वापस लूप को फोर को नहीं भेजेगा, बाहर आ जाएगा। अगर कम है तो लूप को भेजेगा, फोर को भेजेगा, फोर को बोलेगा आई को काउंट करो, आई काउंट करेगा और फिर इसको रन करेगा, फिर नेक्स्ट चेक करेगा, अगर ज़्यादा है तो बाहर कर देगा, कम है तो वापस भेज देगा। समझ गए? हाँ जी। तो प्रोसीजर ये है। तो आई जब एक वेरिएबल है तो हम इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम क्यों ना हम इसको फाइल नेम की जगह पे इस्तेमाल कर लें। लेकिन मुझे इसको ब्रेक करके इस तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि आई वेरिएबल है, इन वर्ड को मैं डालूंगा तो आई नाम का फाइल बन जाएगा, इसलिए इसको तोड़ के हमने बीच में आई डाल दिया, इससे इनवर्ड कॉमा हट जाएगा। अब देखिए रन होगा, मैं अगर रन करूंगा तो ये फाइल क्रिएट करेगा, हर बार अलग अलग नाम आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमने वर्कबुक को क्लोज नहीं किया तो 12 फाइल यहाँ ओपन हो जाएंगे ना सर। करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज और ट्रू कर देंगे ताकि सेव रहे। अब मैं इसको रन कर दूंगा तो आप देखेंगे कि एक एक करके 12 बार फाइल को क्रिएट कर रहा है और आपके जो लोकेशन है 12 फाइल डाल रहा है। क्लियर है? अब यहां पे हमने एक कर लिया, अब अगला जो प्रारंभ है उस पर बढ़ते हैं, सीट इंसर्ट करने का, समझे? हाँ। अब सीट इंसर्ट का है तो कैसे पता चलेगा कितना सीट इंसर्ट करना है? तो इसके लिए हम एक्सेल पे आते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं। एक्सेल पे दो फॉर्मूले हैं, एक है डेट का फॉर्मूला। तो डेट फॉर्मूला क्या करता है, इसमें आप 2021 डालें, मंथ डालें, डे डालें, तो उस महीने का डेट बना देता है। बन गया डेट। अब मैं यहाँ 2 कर दूंगा तो फरवरी का डेट बन जाएगा, पहला डेट। और एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, जो कि जो डेट आप डालेंगे उसके महीने का लास्ट डेट बताता है। करेक्ट। एक फॉर्मूला होता है डे का, जो कि इसमें से सिर्फ डे को अलग करेगा। करेक्ट। तो यहां पे हम देखते हैं कि डेट का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डेट का जो फॉर्मूला है वो तो डेट का फॉर्मूला एक्सेल पे यहाँ पे करेंट सिस्टम डेट दे लेता है। ईओ मंथ का फॉर्मूला भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है। तो आपको जो है ना फॉर्मूला दो तरह से होते हैं, एक फॉर्मूला जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं जैसे कि डे का फॉर्मूला, एक्सेल का ही फॉर्मूला है बट वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है क्योंकि जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई किया नीचे एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन कुछ फॉर्मूले होते हैं जो वीवीए को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हमें यूज करते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट, और जैसे डेट है, जहाँ डेट है नहीं, डेट फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ हो जाता है ईओ मंथ, समझे? अब ईओ मंथ में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ हम कर देते हैं 1/n% में आई और अगेन स्लैश 2021, तो यहां पे हमने क्या किया, हमने डेट बना दिया। कैसे बनाया, समझ में आया आपको कि नहीं? नहीं, एक बढ़िया बता। इसके लिए आपको एक्सेल पे आना होगा। तो एक्सेल पे क्या है कि मैं यहाँ डेट डेट फॉर्मूले से बना सकता हूँ, या फिर जैसे 1 यहाँ है 2001 यहाँ पे मान लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने लिया /1/n%, इसको सेलेक्ट किया, अगेन /2021 हो गया, 2 करूँगा 2, 3 करूँगा 3, हमने कंबाइन कर दिया यहाँ पे। समझ में आया आप नहीं? हाँ, ठीक। अब यहाँ पे C6 का जगह पे हमने यहाँ पे I कर दिया था, बट प्रॉब्लम यह है कि जो फंक्शन चलता है ना तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है, तो इसका हम इसको डे फॉर्मूले के अंदर में डाल देते ताकि इसका डेट हमें पता चल जाए।
और इसको हम डी के ऊपर स्टोर कर देते हैं। तो डी के ऊपर हमने बोला डे फॉर्मूला, और डे फॉर्मूला को बोला मैंने बोला ईओ मंथ। तो ईओ मंथ फॉर्मूला लास्ट डेट निकालेगा और आई से मंथ ले लेगा, डेट और ईयर सेम है, समझ गया ना? करेक्ट। एक काम करता हूं, मैं वर्कबुक को यहाँ पे लाइन को डेट कर देता हूँ और एमएसजी बॉक्स के अंदर डी को डालता हूँ और एक एक करके चेक करता हूँ। ये चेक करने का सिस्टम है, ठीक है ना? करेक्ट। कि हमारा डी क्या परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर देखिए आई यहाँ वन हो गया, यहाँ पे डी क्या हो गया 31 आया। वापस आई हमारा 2 हो गया तो डी क्या हो गया, अब यहाँ पे डी भी वापस डी 39 है क्योंकि आई 2 है। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों होगा, समझे? ऐसा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा सिस्टम जो है एम एम डी डी वाई वाई है, बात समझ रहे हैं? हाँ जी। तो हमें आई को मैं मंथ को पहले रखना होगा, तो यही पे हम स्लैश, अब थोड़ा सा और आसान हो गया। अब मैं येलो वाले लाइन को उठा के यहाँ पर रखता हूँ, फिर एफ एन प्रेस करता हूँ। अब डी देखता हूँ क्या है 28, ठीक है 28 सेकेंड, ओके कीजिए। फिर यहाँ पे थर्ड महीना है, डी हमारा 31 हो गया, ठीक है मैम? हर महीने का दिखा रहा है। अब जो मैसेज बॉक्स को हम डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज आ गया। तो यहाँ पे हम करेंगे वर्क, सॉरी वर्क नहीं, माफी सीट से शीट्स डॉट एड काउंट पे आ जाएंगे। काउंट में हम यहाँ पे डी कर देते हैं, तो जितना दिन है उतना सीट ऐड होगा। बट यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम है क्योंकि जब सीट ऐड होती है तो जब नया वर्क को ऐड होती है तो उसमें पहले से कुछ सीट्स होते हैं, एक या तीन या ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आपके सेटिंग पे डिपेंड करता है। तो हम 31 सीट ऐड कर दिया, पहले से तीन हुआ तो 31 34 सीट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो एल्गोरिथम कहता है कि नहीं, एग्जैक्ट मंथ के हिसाब से ही सीट होने चाहिए, समझे? तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस कर देंगे शीट्स डॉट काउंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि पहले जितनी शीट्स है उसको माइनस करो और उतने सीट ऐड कर दो। तो यहाँ सीट ऐड में हमने काउंट कर दिया, तो जितना नाम डाला नंबर डालेंगे उतना सीट वो ऐड कर देगा। तो हमने फाइल क्रिएट किया जैन का, हमने उसका जैन के हिसाब से उस फाइल के नेम के हिसाब से हमने मंथ निकाल नंबर ऑफ डेज इन द मंथ निकाल लिया, उतने शीट इसी फाइल में ऐड कर दिए क्योंकि जो फाइल क्रिएट है वही एक्टिवेट है, वही में काम हो रहा है। अब बात आती है सीट को रिनेम करने का। तो सीट को रिनेम करने का तरीका ये है कि इसके अंदर हम करेंगे 1.name=1, इसको मुझे 28 बार लिखना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम आ गई, तो जैसे हम फाइल में प्रॉब्लम थी तो हमने रिजॉल्व किससे किया था, फोर। तो यहां फोर लगेंगे, तो फोर हमने बोल दिया j=1 to d, समझे? तो नेक्स्ट j, और यहाँ हमने बोलेंगे कि हमने बताया था कि सीट को सीक्वेंस नंबर से भी चलता है। तो यहाँ पे देखा जो सीट में 1 2 3 हमने किया था वो यहाँ पे यूज हो गया, क्योंकि तो हमें सीट का प्रॉपर्टी नेम और कैप्शन नेम पता नहीं है, तो हमने सीक्वेंस ले लिया 1 2 3 4 5 6। यहाँ शीट जे क्यों लिया हमने, शीट्स जे, समझे? इसके लिए
कि फोर अपना रिजल्ट आई पे स्टोर कर रहा है ना, जे पे स्टोर कर रहा है ना। नहीं ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। यहाँ क्लियर हुआ था आपको, आई क्यों लिया था हमने, इस आई को हमने यहाँ यूज क्यों किया। हाँ। उसी तरह से हमने यहाँ पे जे लिया और इस जे को यहाँ यूज किया। अब इसको वन बाय वन रन करते हैं तो पता चलेगा आपको, ठीक है। इफेक्ट किया, आई आई के भी जीरो इम्पेक्टी खाली है, आई की वन हो गया, तो वन नाम का सीट क्रिएट किया। सॉरी माफ कीजिएगा, हम मुझे पहले इसको एक नाम के दो सीट नहीं क्रिएट हो सकते ना, तो पहले इसको डिलीट करना होगा। अब चलाता हूँ, एफर्ट किया, आई यहाँ हो गया आपका वन, तो आई वन नाम का सीट क्रिएट हो गया वन डॉट एक्सलेस, यहाँ ओपन भी है, एक्टिव भी है, देख लीजिए है ना। अब उसमें वन के हिसाब से डेट बनाया और नंबर ऑफ डेज काउंट करके डी पे डाल दिया, डी का मान हो गया कितना 31। उसने 31 माइनस सीट की काउंट, जो पहले सीट जितना है, अगर इसको हम देखें तो पहले सीट वन सीट है, तो 31 माइनस वन किया और उसके नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। एक मिनट तो यहाँ पे 31 मैच सीट, एक मिनट यहाँ पे 31 सीट ऐड हो गई, देख रहे हैं आप, हो गए ना 31 सीट ऐड। 31 सीट ऐड होने के बाद अब क्या हुआ कि यहाँ फोर, मैं दोबारा पढ़ाना होगा मैम, ये डबल से गलती से क्लिक हो गया, स्टेप इनको हट गया, तीसरा फाइल आ गया, मैं ये फाइल जो पहले से इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ आप देखिए ध्यान से, एफर्ट किया, आई एक फाइल क्रिएट हुआ, उस फाइल के अंदर हमने सीट कैलकुलेट कर लिए और उतने सीट ऐड हो गई। यहाँ देखिए सीट ऐड हो गई 31 तक, हो गई ना। अब जो है मुझे 31 सीट का नाम वन बाय वन नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे जी कौन सा ब्लैंक है, अब ये क्या हो गया वन हो गया, तो सीट्स वन डॉट नेम इक्वल टू वन। हमने आपको बताया था ना कि हम सीट को कॉल करते हैं, हम सीट्स यहाँ पे सीट का नाम दे सकते हैं सीट वन, या फिर इसका नंबर देते हैं ना वन टू थ्री, इस तरह से नंबर बताया था आपको मैंने, तो यहाँ पे हमने नंबर दे दिया, ये नंबर है, ठीक है ना। तो पहले सीट को दूसरे सीट को जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे सीट का नाम या प्रॉपर्टी नेम या कैप्शन नेम पॉसिबिलिटी नहीं है, और कितना तक चलेगा तो डी, मतलब कि जितने नंबर ऑफ सीट है इसमें, उतना सीट वो ऐड करेगा और एक एक करके नाम चेंज करेगा, सेम प्रोसीजर हर फाइल के लिए रखेगा। अब आप एक चीज और देख रहे हैं, इस तरह से स्क्रीन चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्रीन अपडेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम में इस तरह की स्क्रीन अपडेट ना हुए, वो जैसे नॉर्मल जो है वो सिर्फ चक्री घूमता रहता है ना, वो घूमता रहे, तो उसके लिए कोड डालना होता है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग डॉट फॉल्स ऊपर सबसे स्टार्टिंग में, ये आपका प्रोजेक्ट हो गया। आप चाहते हैं नाम ले तो आप यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स, तो नहीं घूमेगा, ट्रू होगा तो घूमेगा, फॉल्स होगा तो नहीं घूमेगा। ठीक है, ठीक है, विदाउट इसमें इसमें एक चीज है सुजी जी, ये हम एप्लीकेशन कब यूज करते हैं, ये एग्जैक्टली कब यूज करते हैं? एप्लीकेशन यूज होता है जब कोई एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज होती है। ओके, ठीक है ना। स्क्रीन अपडेटिंग जो है किसी फाइल का पार्ट तो है नहीं, तो इसकी ये तो पार्ट आपका इसका है, विंडो का एप्लीकेशन का पार्ट है, एक्सेल एप्लीकेशन का पार्ट है, फाइल का पार्ट तो है नहीं। अरे तो इससे पहले मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में इसके बारे में, डिस्प्ले अलॉट सी डिलीट में ना, तो वहां और एप्लीकेशन के साथ हमने जैसे डॉट वर्कशीट फंक्शन का यूज कब करते हैं,
वर्कशीट फंक्शन से हुआ कि आपको एक्सेल की फाइल है, हेलो, एक्सेल की फाइल, एक्सेल की फॉर्मूले को कॉल करना है आपको ओके उस केस में, ओके ठीक है। ठीक है। चलिए, अब कोई डाउट इसमें? ठीक है, एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। इसकी करेक्ट प्रैक्टिस करेक्ट। कीजिए, इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से चेंजिंग वेंजिंग कीजिए और हाँ जी, हाँ फिर जी, मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सॉल्व कर दूँगा। अगर आपको कुछ ठीक है, प्रॉब्लम ठीक। होती है ना तो इसमें मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फोटो खींच हाँ लूँगा। जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। ओके, तो थैंक यू। बोलिए इसमें हमने एक, हेलो, सुनिए। हमने इसमें जैसे लिया भाई, आज ये जो प्रोजेक्ट करके देखा ये ठीक है, बट अभी हमने फॉर और लूप वेरिएबल इनके बारे में पढ़ा नहीं है नहीं आपने पढ़ा इसमें। नहीं है, लेकिन आपको भी थोड़ा थोड़ा जानना होगा क्योंकि जरूरत है हाँ, इसको। ये इसके बगैर, अभी बिना लूप के बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं होता। अगर बिना करेक्ट लूप के करेक्ट। बगैर प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत मैनुअल वर्क करना पड़ता है, बहुत सारे हाँ कोड वो मैनुअल ठीक लिखने है, पड़ते हैं। हाँ वो ठीक है, बट वो है कि उसको हम हाँ, मतलब तो बाद में। मैंने आज आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया ना, अब थोड़ा सा जान गए। अब इसको थोड़ा थोड़ा यूज किए क्योंकि ये करेक्ट करेक्ट। कॉम्प्लिकेटेड है। इसको थोड़ा थोड़ा हाँ यूज हाँ नहीं करेंगे तो आगे जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। करेक्ट करेक्ट। एक डाटा इसलिए टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में भी और डेटा एक लूप टाइप के को बस बारे में। इतना समझ लीजिए, डेटा टाइप को इतना समझ लीजिए कि मुझे अगर कोई चीज़ स्टोर के होल्ड करवाना है तो कहाँ होल्ड करवाऊँ, ओके समझ गया ना? जैसे मैथमेटिक्स की तरह, जैसे एक्स वाई जेड लेते थे ना, करेक्ट करेक्ट। तो मैथ की तरह समझ लीजिए। और लूप को ये समझ लीजिए, किसी कोड को मुझे 5 बार सेम कोड लिखना है, बस उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। ओके ठीक है, हाँ इस वाले इसमें प्रोजेक्ट में क्लियर हो गया। हाँ, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको 100 सेल पे जा, A1 B1 C1 A1 A2 A3 ऐसे आपको 15 सेल्स के ऊपर कर्सर रखना है, तो एक एक करके कोड करेक्ट लिखेंगे, करेक्ट उसे अच्छा है कि आप लूप में डाल दीजिए और 1 2 3 को नंबर में चेंज कर दीजिए, ठीक करेक्ट है? करेक्ट। लूप इसका इस्तेमाल होता है। तो इसको आप लूप को समझ लें, उसको प्रैक्टिस, क्योंकि लूप बहुत बड़ी टॉपिक है और आगे के भी मोस्टली प्रोजेक्ट्स में लूप का इस्तेमाल हो सकता है। करेक्ट लूप के बगैर तो, लूप के और कंडीशंस के बगैर तो वीवी प्रोग्रामिंग सोचना भी व्यर्थ है। हाँ, ठीक करेक्ट है, चलिए तो बनाइए इसको, थोड़ा सा अपने हिसाब से बात कर लेते हैं। एक कोड ठीक का है। स्क्रीनशॉट ले ओके लीजिए। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सुरेश। ओके सुरेश।